Hey everyone, this is Manish Pincha और आज की इस वीडियो के अंदर यार अभी नहीं था, इनसे कोई चीज़ जंक्शन नहीं होती। तो ट्राईपॉड आज के वक्त की बहुत ही बेसिक एक्सेसरी है। वेदर आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हो, आप रील्स या शॉर्ट्स बनाते हो, या फिर आप कोई भी वीडियोस बनाते हो, इनफैक्ट फोटोज भी क्लिक करते हो, तो ट्राईपॉड्स आपको यूज में आता है। तो यहाँ पे अच्छा ट्राईपॉड चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में हजारों ट्राईपॉड्स आते हैं, बट जो अच्छा परफॉर्म करते हैं वो कुछ ही होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे ट्राईपॉड्स जो कि बहुत ही अच्छे हैं, मैंने पर्सनली यूज कर रखा है और मैं इन ट्राईपॉड्स को पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूँ। एंड बिलीव मी, इन ट्राईपॉड्स ने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। अब मैं इस वीडियो के अंदर बाकी वीडियोस की तरह बहुत सारे ट्राईपॉड्स नहीं बताऊंगा, बस दो ही ट्राईपॉड्स बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। आप आंख बंद करके इन ट्राईपॉड्स को परचेज कर सकते हो। तो इन दोनों ट्राईपॉड्स का नाम है Amazon Basic 15 इंच ट्राईपॉड एंड Amazon Basic 16 इंच ट्राईपॉड। अब यहाँ पे 15 इंच ट्राईपॉड मैंने काफी टाइम पहले यूज किया था, बट मैंने बाद में रिसेंटली 16 इंच ट्राईपॉड पे अपडेट कर लिया था। अब मैं इन दोनों में आगे आपको डिफरेंस बताऊंगा कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। एंड बिलीव मी, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है आज। तो डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट करते हैं इन दोनों ट्राईपॉड्स के बीच में। तो जो 15 इंच का ट्राईपॉड है और 16 इंच का ट्राईपॉड है, ये दोनों ही ट्राईपॉड्स बने हैं एल्यूमिनियम से और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम है। एंड जो प्लास्टिक यूज़ किया गया इन दोनों में, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल प्लास्टिक है। अगर बात करो लोड कैपेसिटी की कि ये कितना लोड होल्ड कर पाते हैं, तो जो 15 इंच का ट्राईपॉड है वो होल्ड कर पाता है 2 kg तक, एंड जो 16 इंच का ट्राईपॉड है वो होल्ड कर पाता है 3 kg तक। तो अगर बात करूँ कंपैटिबिलिटी की, तो ये दोनों ही ट्राईपॉड्स कनेक्ट हो पाएंगे DSLR एज वेल एज मोबाइल फ़ोन से, बट आप मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट करने के लिए आपको एडिशनल होल्डर परचेज करना पड़ेगा। एंड सबसे अच्छी बात, इन दोनों ट्राईपॉड्स के साथ में आपको एक बैग मिलती है। अगर आप इन ट्राईपॉड्स को कैरी कर रहे हो तो आपको कैरी करने में बहुत ईजी होने वाला है। तो अब तक मैंने आपको इन दोनों ट्राईपॉड्स से कुछ की फीचर्स बता दिए हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर रियल डिफरेंस है क्या। सबसे पहला डिफरेंस और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि ये जो 15 इंच का ट्राईपॉड है वो ज़्यादा हैवी जो कैमरा गियर से वो माउंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वेट लोड करने की वो 2 kg तक की है। एंड अगर आप सोच रहे हो जूम लेंस या फिर कोई हैवी लेंस माउंट करना, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। एंड इसी को अगर मैं कंपेयर करूँ 16 इंच के ट्राईपॉड में, तो ये बहुत ही हैवी गियर्स को भी माउंट कर पाएगा। हालांकि इसकी माउंटिंग कैपेसिटी 3 kg की है, पर मेरे हिसाब से आज के वक्त के जो कैमरा यूज़ होते हैं उनमें 3 kg तक का वेट होता ही नहीं है, उनसे कम ही होता है। तो अगर आपका कैमरा वेट हैवी है तो डेफिनेटली आप 16 इंच ट्राईपॉड की तरफ जा सकते हो। मैं खुद पर्सनली 16 इंच का ट्राईपॉड ही यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। नेक्स्ट डिफरेंस हो गया कि जो Amazon Basics का 16 इंच का ट्राईपॉड है वो थोड़ा ज़्यादा स्टडी है एज़ कम्पेयर टू 15 इंच के ट्राईपॉड में। एंड यहाँ पे थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी का फर्क रहता है, 16 इंच का ट्राईपॉड ज़्यादा ड्यूरेबल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर बात करूँ ट्राईपॉड के वेट की, तो 15 इंच का ट्राईपॉड का वेट है 567 grams एंड 16 इंच ट्राईपॉड का वेट है 1 kg एंड 230 grams। तो यहाँ पे जो 15 इंच का ट्राईपॉड है वो काफ़ी हल्का होता है एज़ कम्पेयर टू 16 इंच के ट्राईपॉड से। तो मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो अगर मैं DSLR यूज़र होता तो मैं 16 इंच का ट्राईपॉड परचेज करता, बट अगर मैं मोबाइल फ़ोन का यूज़र होता, अगर मैं अपने कंटेंट मोबाइल फ़ोन से क्रिएट करता, तो मैं डेफिनेटली 15 इंच का ट्राईपॉड ही यूज़ करता। साथ ही मैं इन 2 सालों के अंदर मैंने इन ट्राईपॉड को बहुत ही रफली यूज़ किया, बट मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं मिली। ये ट्राईपॉड ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा काम किया। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि एक वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ इन ट्राईपॉड्स का। एंड अगर आप भी सोच रहे हो कोई ट्राईपॉड्स परचेज करने का, तो ये ट्राईपॉड आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्क करने वाले हैं। तो इन ट्राईपॉड्स के सारे फीचर्स एंड प्राइसिंग इसको वर्सेटाइल बनाती है एंड मेरा पर्सनल फेवरेट बनाती है। एंड अगर आपको परचेस करने हो ये दोनों ट्राईपॉड्स, तो आपको Amazon पे मिल जाएंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हो या मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली DM कर सकते हो। साथ ही में आप चेक कर सकते हो मेरा फोटोग्राफी वेबसाइट एंड फोटोग्राफी सोशल मीडिया अकाउंट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। साथ ही में आप मेरे ब्लॉग्स पढ़ के भी फोटोग्राफी रिलेटेड बहुत कुछ जान पाओगे, तो मेरे ब्लॉगिंग वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।